मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अंतिम दौर में चल रहा है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने बैतूल के साकादेही में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज की वोट बटोरी पर आदिवासियों को सुविधाओं से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस की लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न डालने लगाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने उनके झूठे वादे टिक नहीं सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास अभूतपूर्व है, आपके जोश ने तय कर दिया है फिर एक बार बीजेपी सरकार। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग इतिहास रचने निकलेंगे। मैं मूलतः पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, कितना ही बड़ा नेता क्यों आता हो, लेकिन सुबह 11 बजे चुनाव की सभा करना लोहे के चने चबाने जैसा काम होता है। लेकिन आपने जो कमाल किया है, मैं देख रहा हूं वहां ऊपर तक कुछ पीछे लोग दिख रहे, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं देता होगा। ऐसा प्यार, इतने आशीर्वाद, मैं जितना आपको नमन करूं उतना कम है। मैं कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं कि आप सुबह सुबह और इतने दूर सुदूर क्षेत्रों में, वो भी दिवाली देगे दूसरे तीसरे दिन, ये बहुत बड़ा कमाल का काम आप कर रहे हैं। आप सबको मेरा शत शत नमन।